नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। जम्मू कश्मीर बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अभी की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने विजयपुर में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान कहा कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा लगातार घुसपैठ की कोशिशें जारी है, जिसका हमारे देश के जवान प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई कर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जम्मू कश्मीर पुलिस टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विजयपुर में पुलिस कांस्टेबल के दूसरे बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई, जिसमें पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सलामी ली। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने लोकल LET टेररिस्ट को गिरफ्तार किया। इस बात की जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस अधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक LET आतंकवादी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद सोपोर पुलिस, आर्मी और CRPF ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान सद्दाम हुसैन मीर के रूप में हुई है। उसके कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन पथियाल में ताजा भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित रहा। हजारों वाहन राजमार्ग पर फंसे हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा संख्या ट्रकों की है। इस बीच जम्मू में पिछले 24 घंटों में तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट आई और सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है। दूसरी ओर प्रदेश में शीतलहर और मैदानी इलाकों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। लेकर न्यूनतम तापमान -9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कश्मीर संभाग के जिला गांधरबल में 5 RR बटालियन द्वारा अंदरवान फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वहां की 8 टीमें हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी में सतीश कुमार शर्मा कमांडेंट 9 SSB बटालियन और मुकुंद गुरुराज कमांडिंग ऑफिसर 5 RR बटालियन ने हिस्सा लिया। वहीं आपको बताते चले कि इस टूर्नामेंट के मैचेस नॉकआउट बेसिस पे खेले जा रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 25 दिसंबर को खेला जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना से मिले रुझानों में कांग्रेस JMM गठबंधन के 44 सीटों पर बढ़त मिलने के बाद आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की इकाई ने जम्मू में जश्न मनाया। उन्होंने पटाखे चलाकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हरियाणा और झारखंड में आए नतीजों से पता चलता है कि लोग सरकार के कामकाज से नाराज हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। इसका मतलब जनता समझती है और जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। चाहे ये जितना मर्जी कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करें और जिस किस्म के हथकंडे विभाजन की नीति जितनी मर्जी करें, लेकिन अल्टीमेटली जनता जो है वो अपना मत जो है वो सही तरीके से देती है। और इस सूरत में आज जो मैंडेट आया है हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद झारखंड के लोगों ने 2019 के मैंडेट के बाद ये जवाब आना, ये समझ आइए कि लोग अब समझना शुरू हो गए हैं। ऑल जम्मू कश्मीर PHE डेली वेजर्स ने आज जम्मू स्थित चीफ इंजीनियर कार्यालय में अपनी रेगुलराइजेशन के लिए एक विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर PHE डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करते हुए कहा कि उनकी रेगुलराइजेशन की जानी चाहिए। इसका सीधे सीधा आज मैसेज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, सेंटर की सरकार को, हम मोदी जी अमित शाह के साथ खड़े हैं, उनके फैसलों के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके फैसले से हमारे लोगों को कोई परेशानी ना हो। हम ये चाहते हैं कि 370 टूटा, 35 से टूटा, ट्रिपल तलाक हुआ, राम मंदिर बना या जो भी फैसले केंद्र सरकार ने लिए, हम जम्मू कश्मीर का मध्यम वर्ग लोग उनके साथ हैं। लेकिन कहीं अगर हमारे साथियों की रोजी जो है अगर वो छीनने की कोशिश किसी ने की, चाहे वो जम्मू कश्मीर का साथी हो या केंद्र का साथी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और सीधा आज एक हफ्ते का टाइम हम गवर्नर साहब को देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन ने आज जम्मू में मेहर चंद महाजन को उनकी जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन की तरफ से आमफला डोगरा शोरिया में लाला मेहर चंद महाजन जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। POJK रिफ्यूजी फ्रंट ने आज जम्मू में एक प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई कैप्टन युद्धवीर सिंह, प्रेसिडेंट POJK रिफ्यूजी फ्रंट कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा
कि उनके लिए आरक्षित की गई 24 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन रिफ्यूजी फैमिलीज को कंपनसेशन नहीं मिला है उन्हें कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जो कई सालों से चल रहा है और वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कमियां बहुत हैं और तकरीबन मैं बोलता हूँ जैसे रुपया में से तकरीबन 60-70 आदमी को पैसा मिला है, अभी 30% लोग बाकी हैं और वो किस वजह से हैं, कुछ डॉक्यूमेंट की कमी है या कुछ लोग जो हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और जिस वजह से सारे मसले रुके हुए हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपने स्टाफ के लिए आज जम्मू में 3 दिवसीय ट्रेनिंग की शुरुआत की। इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा करवाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग के बाद स्टाफ अगले 1 साल यानी जनवरी से दिसंबर तक डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर के बारे में लोगों से घर घर जाकर एक सर्वे करेगा और उनके ट्रैवलिंग के दौरान अनुभव के बारे में जानेगा। कश्मीर संभाग के जिला बारामूला के वानीगाम बाइन पट्टन के निवासी उनके इलाके में डंपिंग साइट नहीं होने के कारण अपना कचरा सड़क के किनारे फेंकने को मजबूर है, जिससे वहां पर कचरा बिखरा हुआ है। वहां के स्थानीय निवासियों ने मांग करते हुए कहा कि उनके इलाके में डंपिंग साइट्स का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को परेशानियां का सामना नहीं करना पड़े और वो लोग डंपिंग साइट्स पे ही कूड़ा डालें। यहाँ पे डंपिंग साइट न होने के कारण से लोग जो घरों से कूड़ा करकट लाते हैं वो सड़क के किनारे रखते हैं, जिससे की वजह से यहाँ पे बीमारियां फैलने का अंदेशा है। इसीलिए हम गवर्नमेंट इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि वो हमें डंपिंग साइट अलाट करे। कश्मीर संभाग के जिला गांधरबल में सिंध फॉरेस्ट डिवीजन में काम कर रहे कैजुअल लेबरर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग पूरी करने की अपील की। लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल की ट्रॉमा यूनिट में भीषण आग लग गई, जिससे वहां के टॉप फ्लोर स्थित ट्रॉमा यूनिट में भारी नुकसान हुआ। हालांकि फायर ब्रिगेड, कारगिल, SDRF, इंडियन आर्मी और लोकल वॉलंटियर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ के प्रयासों से आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड कारगिल द्वारा किए गए प्रयासों की काफी सराहना की। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज श्रीनगर में ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स शामिल है। उन्होंने श्रीनगर मेयर जुनेद मट्टू को अपने समर्थन का ऐलान किया। आज आप लोगों के माध्यम से यहाँ पूरे श्रीनगर के लोगों तक हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ आज एक ग्रैंड अलायंस कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कुछ इंडिपेंडेंस के साथ हो गया। इसकी वजह, जहाँ तक मेरा मानना है, इसकी वजह यह है कि पूरे श्रीनगर में जो पूरे कश्मीर में जो आज तक कुछ रियासती सतह पर कुछ यहाँ परसों से कुछ हॉरस राइडिंग हो रही थी कि कुछ चार पांच कॉरपोरेट्स यहाँ मेयर, डिप्टी मेयर इनको उतारने के लिए कुछ अफवाहें फैला रहे थे। तो ये थे अभी तक के खास समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। नमस्कार।